News 18, India. और चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद हल्द्वानी में हुई हिंसा की करते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दूं, हिंसा में बड़े पैमाने पर पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, ये सबसे बड़ी खबर है। पेट्रोल बम के जरिए हमला और आगजनी की कोशिश की गई थी, इसका बकायदा वीडियो भी सामने आ गया है। और एक बार फिर से बहुत सारे सवाल यहां से उठ रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने भी यहां पर आशंका जाहिर की है कि इस हिंसा में पीएफआई का हाथ हो सकता है, ये सबसे बड़ी खबर है। 8 फरवरी का ये वीडियो भी सामने आ गया है, न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। और यहां पर पेट्रोल बम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हल्द्वानी हिंसा की पूरी साजिश का पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मौके पर जो मौजूद है चश्मदीद, उनसे हमने बात की। हिंसा के चश्मदीदों ने पूरी कहानी को कैमरे के सामने बयां किया है, आप भी सुनिए इस पूरी साजिश को कैसे रचा गया। सुपर एक्सक्लूसिव गवाह की ये कहानी। जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों और प्रशासनिक अमला उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंचा था, तो उस दौरान कई लोगों के ऊपर हमला हुआ। ये सभी यहाँ पर मजदूर आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कर्मचारी हैं नगर निगम के, ये सभी लोग पहुंचे थे उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। और उनकी तस्वीर आप देखिए, ये इनके किसी का सिर फूटा है, पत्थर मारे गए हैं, किसी के पैर हाथ पैरों में चोट है, ये देखिए इस तरह से ये लोग यहाँ पर घायल हैं। इनके जो हेलमेट है उन पर भी यहाँ पर खून के निशान दिख सकते हैं आपको। ये चोट जो लगी है, इनसे पूछते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ जा रहा है। कितने बजे गए थे आप लोग? सर 3:30 बजे करीब हम गए थे वहाँ पे, तभी से ही उन्होंने हम पर पथराव स्टार्ट कर दिया था वहीं से ही। हाँ। और पूरे कार्रवाई में हम लोग वहाँ अपनी कार्रवाई करने के लिए गए थे, अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए गए थे, तभी से उन्होंने पथराव कर दिया, हमें अंदर तक का जाने नहीं दे रहे थे और हमारी गाड़ियों में भी आग लगा दी सर, वहाँ निगम की गाड़ियों ही जला दी है पूरी। कितने लोग गए थे यहाँ से जब लोग आप लोग निकले थे? 150 लोग थे कर्मचारी, हम जितने भी थे। हाँ। उसमें से कुछ लोग सर बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हैं, उनका तो अभी कुछ पता नहीं है, सर हॉस्पिटल में भी एडमिट है अभी वो। जो आपके पत्थर लगा कितने बजे लगा था ये और कहाँ पर लगा था ये? सर वहीं अंदर गली में उन लोगों ने घेर रखा था हमें। हाँ। काफी पुलिस वाले थे और हम लोग थे। हाँ। और ऊपर से गली में घेर के पूरे सब लोग ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे सर। हाँ। कोई बोतल, कांच की बोतलें मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहे थे। हाँ। सर अच्छा, बड़ी मुश्किल से बच के आए थे सर। जब ये भीड़ बेकाबू हो रही थी तो क्या ये लोग विरोध कर रहे थे? क्योंकि वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो अपने अल्लाह का नाम ले रहे थे, इन्हें मारो 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 करके खत्म करो, इन्हें भगाओ इन्हें भगाओ। साहब हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा करके। ऊपर से जब पत्थर आना, कितनी भीड़ रही होगी? लगभग 300-400 के लगभग मिनिमम इतना था एक गली में। अच्छा। हाँ, अन्य जो उन्होंने लोग बुलाए थे कम से कम 10,000 के आसपास थे उनके लोग। सब तरफ से घेर रखा था, छतों में से बच्चे बूढ़े सब पत्थर बॉटल के बोतल उतर भर भर के फेंक फेंक के मार रहे हम लोग। जैसे तैसे हम लोग अपने आपको बचा करके वहाँ से निकले हैं सर। ये टीम कितने बजे पहुंची थी? ये लोग हम लोग करीब 3:30-4 बजे लगभग पहुंच गए थे। और विरोध कब शुरू हो गया था? तुरंत ही हो गया था, पहुंचते ही 4:30 हो गया था। उन लोगों ने भगड़ा दगड़ी पत्थर सत्तर मारने शुरू कर दिया हम लोग की तरफ एकदम। प्रशासन तो लगातार अनाउंस भी कर रहा है। बिल्कुल, वो भी हम लोग को बहुत कोशिश कर रहे बचाए, अपने आपको भी बचाया, लेकिन उन लोगों को भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा, उन लोगों पर भी पत्थर शुरू कर दिया। कितने कर्मचारी आपके नगर निगम के गए थे? 150 करीब लमसम थे, 150 कर्मचारी गए जी। और चोटिल कितने हुए हैं? लमसम धीरे धीरे सभी हुए हैं, किसी का ज्यादा लगी है, किसी का कम लगी है, लेकिन लगी सभी को ही है। अब ऐसे में अब पुलिस की टीमें किस तरह से इन्वेस्टिगेट करती है ये देखना है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो चश्मदीदों का वहां पर क्या कहना था ये भी न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपने सुना। अब ये तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जो प्रशासन की तरफ से खुद यहां पर दिखाई गई है। आप इस तस्वीर में देखेंगे कि कैसे, और इसी को लेकर आरोप ये है कि बड़ी मात्रा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल इस हिंसा के लिए किया गया है। ये जो एरो लगाकर ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं से आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि इसीलिए प्रश्न चिन्ह है, इसीलिए ये जांच का एंगल है कि कैसे सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। एक व्यक्ति यहां पर आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा और वो यहां पर पीछे की तरफ हो के सामने, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी थे और कई सारे लोग जो और जख्मी भी हुए हैं। ये व्यक्ति यहां से एक के बाद एक पेट्रोल बम वहां पर बरसा रहा होता है, इसीलिए अब इस एंगल से भी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। इन सबके बीच में एक और बहुत बड़ी खबर, हल्द्वानी हिंसा को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है।
अब इस मामले में पीएफआई के एंगल का भी दावा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने दावा कर दिया है कि जिस तरीके से हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई है, इसी को देखते हुए इसके पीछे पीएफआई का हाथ होने की आशंका है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे भारत सरकार ने पहले ही बैन कर दिया है, लेकिन समय समय पर पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती रही है, छापेमारी होती रही है। अब एक बार फिर से जब ये हिंसा की तस्वीर सामने आई है तो इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, ऐसी